और इस वक्त उत्तर कोरिया से आ रही है बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शिखर वार्ता से पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को अच्छी खबर दी है। किम जोंग ने ऐलान किया है कि उत्तर कोरिया अब और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। उत्तर कोरिया ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच शिखर वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। दोनों के बीच अगले महीने मुलाकात की संभावना है, फिलहाल तारीख और जगह तय नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि किम जोंग उन ने अपने बयान में क्या कहा है। जबकि परमाणु हथियारों के शस्त्रीकरण का सत्यापन हो चुका है, इसलिए हमारे परमाणु परीक्षण करना या मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करना जरूरी नहीं है। और इस स्टेटमेंट के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका स्वागत किया। अगले महीने मुलाकात की बातें हो रही हैं, हालांकि अभी समय और जगह जो है वो तय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट के जरिए इसका जवाब दिया और कहा कि परमाणु परीक्षण के सभी बड़े स्थल को बंद करने पर राजी हो गया है उत्तर कोरिया। ये उत्तर कोरिया और विश्व के लिए अच्छी खबर है, बहुत बड़ा घटनाक्रम, शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार है। तो इस घटना पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आइए बात करते हैं आज होने वाली अहम कैबिनेट की बैठक पर। इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि आज की बैठक में उस कठोर कानून के मसौदे पर मुहर लगने की उम्मीद है जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने वाले को फांसी देने का प्रस्ताव रखा गया है। मानवता को झकझोर देने वाले कठुआ और उन्नाव गैंगरेप के खिलाफ उड़े इस सामूहिक आक्रोश ने आखिरकार सरकार को रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। आज कैबिनेट की बैठक में नाबालिगों से बलात्कार के लिए मौत की सजा पर मुहर लग सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर चर्चा होगी। इस प्रस्ताव को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। प्रस्ताव में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषी लोगों के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। बेटियों की मासूमियत को रौंदने वालों के खिलाफ सख्त कानून का संकल्प कल एक जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सरकार के पत्र से भी मिलता है। इसमें कहा गया है, सरकार पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल में नाबालिगों से रेप करने वाले दरिंदों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी। हम लोग सोच रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा किसी का बलात्कार हो, 4 स्टेटों ने अभी भी डेथ पेनल्टी के लिए करा है, हम लोग भी चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट को बदल करके जो बच्चे जो 12 साल के बच्चे के नीचे के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बलात्कार हो तो वी शुड आस्क फॉर द डेथ पेनल्टी। इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र को भेजने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें नाबालिगों से रेप करने वालों को सजाए मौत देने के लिए कानून में जरूरी सुधार करने की मांग की गई थी। हिमांशु मिश्रा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।